तो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आपका एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो मैं खेल रहा था गाइस आज सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच। तो मैंने लॉबी में देखा कि चार क्रिमिनल आए हैं और मेरे को ये तो पता नहीं है ये एक ही स्क्वाड के हैं अलग, और ये बैज 99 भाई वाला भी बंडल आया है क्रिमिनल, और आपका M10 वाला पर्पल क्रिमिनल भी आया है, और येलो और ब्लू क्रिमिनल, ये चार बंदे आए थे। और गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना, और ऐसी हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर, और चैनल पे न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी ध्यान से कर देना। अब यहाँ लीडर बोर्ड पर गाइस ये भी तो नहीं पता पड़ता कौन सा बंदा पहले नंबर पर आ रहा है, उसका शकल हुलिया भी नहीं पता पड़ता। कलू एडम को छुपा देते हैं इसका। तो अपडेट के बाद प्लेन का पेंट भी छुटा दिया भाई गरीना वालों ने, इतनी गरीबी आ गई। जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर भाई, यार इतना लूटते हैं फिर भी इस प्लेन पे कलर क्यों नहीं किया इन्होंने। अब देखते चलते हैं इस प्लेन के पीछे कहाँ कर रही है क्रिमिनल की स्क्वाड। दो स्क्वाड तो आपकी सिर्फ आर्ट पे निकल गई हैं, और मिल पे यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट हो गई। ये रैंक पुश वाले बंदे हैं ये जितने भी जा रहे हैं इधर। गाइज मैं तो मोन्टेज बनाने के लिए सोलो वर्सेस स्क्वाड प्ले कर रहा था, तो मैंने देखा लॉबी में आए चार क्रिमिनल, तो भाई साहब मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। और देखते हैं आगे पीक पे ज़्यादा बंदे जाते हैं क्लॉक टावर, जिधर ही ज़्यादा बंदे जाएंगे ना मैं तो उधर ही जाऊँगा। मैं चलता हूँ क्लॉक टावर पे क्योंकि वहाँ पे आए हैं कई ज़्यादा स्क्वाड, क्या पता क्रिमिनल की स्क्वाड भी इधर आई हो। और मुझे शुरुआत में तो गाइस फाइट अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि भाई पहले ही मर गया तो क्रिमिनल को तो मार ही नहीं पाऊंगा मैं। अबे यार स्कैनर भी नहीं लगा रखा मैंने, स्कैनर में पता पड़ जाता है कितनी स्क्वाड आ रही है, लेकिन ऊपर एक भी बंदा नहीं दिख रहा, फैक्ट्री की छत पे गए सारे बंदे। और देखो एक स्क्वाड रिम नाम पे जा रही है, और मैं सबसे पहले गन लूट के इन्हें मारूं या अवॉइड करूं फाइट, देखते हैं सबसे पहले क्या मिलता है नीचे उतर के। तो नीचे पड़ी है भाई साहब मेडिकेट, तो मेडिकेट तो मैं उठाऊंगा नहीं। अब आप पूछोगे कि मेडिकेट क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि सामने भाई VSS पड़ी है, सबसे पहले मैं गन उठाऊंगा और हवा में मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऊपर से वो निकल के काफ़ी दूर। और मेडिकेट भी उठाना ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ के लिए भाई बहुत काम आएगी। अब मैं भाई वर्ड का एक भी बार यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि भाई भाई मैंने दो बार बोल दिया है, और आप भी बोलोगे कितनी बार भाई बोलेगा, और आपको इरीटेट लगेगा, क्या पता मेरी वीडियो बिना देखे भाग गए। फिर सामने पड़ी है स्नाइपर एमो, अबे स्नाइपर एमो क्यों दिए, यहाँ स्नाइपर नहीं है तो स्नाइपर एमो का क्या करूँगा मैं। चलो M4A1 या VSS में तो गाइस कौन सी गन चलाई है बताओ, कमेंट में बताओ। चलो एमो गिरा दिया तो मैं, हिंट मिल गई होगी यार, मैं VSS ही चलाऊंगा क्योंकि अब मेरे को शॉर्ट रेंज की गन चाहिए। VSS तड़पा तड़पा के मारेगी क्रिमिनल को, तड़पा तड़पा के मारेगी तभी तो बढ़िया रहेगा। बताओ तड़पा तड़पा के मारना चाहिए ना इनका क्रिमिनल को। लेवल 1 का बैग, अब वेस्ट चाहिए, वेस्ट हेलमेट और मिल जाए और मैं निकल पड़ूंगा यहाँ से फाइट लेने के लिए, और वीडियो को कर दूंगा कट, सीधी दिखाऊंगा फिर मैं फाइट पे। अरे यार मैं अपनी वाहवाही खुद अपने आप ही कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को क्रिमिनल दौड़ा दौड़ा के मारे। लेकिन गाइस यार एक दिक्कत है, मैं हूँ अकेला और वो सामने चार बंदे मिलेंगे मेरे को, तो मेरे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। 2000 years later। तो गाइस उधर तो मेरे को एक भी बंदा नहीं मिला, तो मैं इधर हैंगर की तरफ आ गया बंदों को खोजते खोजते, और मैंने VSS ले ली और शॉर्ट रेंज में Mach 7, काफ़ी तगड़ी चलती है गाइस ये Mach 7 भी। और मैंने ना अपनी कस्टम HUD चेंज करी थी यार, ये फायर का बटन जो है मैंने थोड़ा सा नीचे किया था क्योंकि इससे हेड पड़ते हैं ना सामने बंदा, देखो गाइस ये इसका हेड लेता हूँ। अबे यार VSS से चलो एक गोली का बचा है, मैं इस पर रश कर देता हूँ सीधे ग्लू बॉल के पीछे, चबा इसका स्क्वाड ना हो इधर उधर, बस दिक्कत ये है इसे फेंक देते हैं पहले, 5-5 या पूरा डैमेज आ जाएगा ना, नहीं हुआ अभी, इस पर रश कर देना सीधे ये बंदा। अबे यार उधर भी बंदे हैं मेरे पे, ग्लू बॉल भी खत्म, मैं यहाँ पहले हील कर ले रहा हूँ, आम का मर गया क्रिमिनल को भी नहीं मार पाऊंगा और यहीं पर एंड हो जाएगा पूरा। चलो ये नॉक कर दिया, मैं इसका फिर चोरी कर लेता हूँ। चलो क्रिमिनलों से फाइट लेने से ज़्यादा मज़ा मेरे को यहाँ पे आया गाइस। अब आप पूछोगे कैसे, जो मज़ा किल चोरी करने में वो क्रिमिनल को मारने में नहीं जानी। और बैकग्राउंड में थोड़ा यार साउंड आ रहा होगा, इसे इग्नोर करना, और यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि ग्लू बॉल भी नहीं है और सामने है पूरा स्क्वाड, और बिना ग्लू बॉल के इनसे फाइट करूँगा तो मेरे बंदे की हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी यहाँ एंगर पे। वे तू चिट्टी तक रस्ते यार मेरा वे जवाल होनी है। बस कुछ ही पलों में आपके सामने होने वाले हैं 3-4 क्रिमिनल, और मैं उनकी रेल बना दूंगा, कुत्ता भर दूंगा भाई साहब, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब आप बोलोगे कैसे, तुझे कैसे पता पड़ा, क्योंकि गाइस यार मैंने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है और वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं बाद में, समझा करो थोड़ा। 12 seconds later। चलो चले हम। ओ भाई पड़ी यार, किधर से पड़ी, ओ भाई साहब क्या मार रहा है, VSS मार रहा है। ओ भाई येलो क्रिमिनल, गाइस येलो क्रिमिनल सामने क्रोनो लगा लिया इसने, अभी रुक तेरे को अभी बताता हूँ मैं। गाइस देखो ये एक बंदा तो मेरे को दिख गया, इसका 2-3 क्रिमिनल और थे, वो भी ना हो इसी के साथ फ्लैंक कर रहा है पीला जोकर, हमको सिखाता है, हम पीछे की तरफ निकल जाता हूँ। गाइस मैं उधर से आ रहा घूम के, देखो वो आ रहा बंदा, रेड क्रिमिनल आ रहा है सामने, एक गोली पड़ी, अब ये तड़पेगा थोड़ा सा, तड़पेगा मेरे को पता है, 30 का डैमेज पड़ा, 8-8 के 2-3 बार तड़पा होगा ये। अब यहाँ से निकल लेते हैं इधर, क्योंकि ये चारों बंदे हैं भाई,
चारों से मैं एक साथ फाइट लूंगा तो ये तो मेरा हलवा बना देंगे, ये तो मेरा ये आरफ पीला जोकर आ रहा है इसको, इसे पता नहीं है, इसे होश नहीं है। मैं इधर छिप जाता हूँ मैक सेवन के साथ। यो भाई दो तीन गोली थोड़ा सा बचा, एक दो गोली का बचा, ग्लूबल लगा के सीधा रस करता हूँ। अबे यार पैक हो गया चिमकांडी, और पीछे से लाल जोकर भी आ रहा है। रुक अभी देखता हूँ इनको, पीछे की साइड आ जा रहा हूँ क्योंकि चारों बंदे आ रहे हैं भाई दौड़ते हुए। ये यार फायर का बटन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये मैंने कस्टम एटीट्यूड चेंज करी थी कल, तो ये थोड़ा नीचे नीचा लग रहा है मेरे को। वो देखो गाइस वो निकला है, पीला जोकर और लाल जोकर दोनों हैं उधर। अबे यार मेरे को तो ऐसे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी सामने ही घूम रहे हैं दोनों क्रिमिनल यार। एक दो गोली मारी मैंने, 21 का डैमेज दिया, अभी तड़पेगा थोड़ा सा। लाल वाले को भी एक दो गोली का डैमेज दिया। अब इनको यार मेरी पोजीशन पता पड़ गई है, इनके एक दो बंदे दो जो दो और वो होंगे क्रिमिनल, एक तो आपका ब्लू वाला होगा और एक वो होगा। ओ भाई साहब क्या ही हेड दिया गाइस, तड़पा दिया मैंने रेड क्रिमिनल को तो तड़पा दिया। अबे ग्लू बॉल लग जाए यार, ये फायर का बटन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सीधा कर देता हूँ मेरा, क्योंकि एक बंदा तो मैंने नॉक कर दिया और उसके दो बंदे पता नहीं, यानी अभी गाड़ी देके एक और बंदा आया है, इनका आया है शायद पीछे से। अब दो गोली वाली मारी उसने, मेरे पास मैक सेवन वूकुंग बन जा रहा हूँ मैं, इसे पता नहीं है अभी। अब सीधा आया ये भी नॉक गाइस, येलो क्रिमिनल भी नॉक, ब्लू क्रिमिनल देखो वो आया गाड़ी से, इसको भी मारूंगा। अबे यार फायर का बटन गाइस यार दिक्कत कर रहा है मेरा, मैं इसे गोली चला रहा था इस पर लगा ही नहीं। देखो ग्रेनेड को कर रहा है, इसे पता नहीं है मेरा थोड़ा सा भी, मैं किधर हूँ। अब ग्रेनेड फेंक से निकलो, अबे निकलो निकलो यहाँ से। अबे यार ग्लू बॉल क्यों नहीं लगी यार, कट कर दो सर इसे। ओके ओके सर ओके।